अब हर हलके की कहानी। बड़ौदा विधानसभा सामान्य सीट घोषित होने के बाद 2009 और 2014 में यहां से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक चुने गए। वह 2019 के चुनाव में देखना है कि कौन से प्रत्याशी पर जीत की मुहर लगती है। उकलाना विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। ये सीट आरक्षित है, इसे इनेलो का गढ़ माना जाता है। उकलाना सुरक्षित सीट पर दो बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एक बार कांग्रेस ने तो एक बार इनेलो ने जीत हासिल की। उकलाना आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के गठन के दौरान बरवाला विधानसभा क्षेत्र के 30 गांव, पुराने घिराए विधानसभा क्षेत्र के 7 गांव, बट्टू हलके के 12 गांव, टोहाना और उचाला के दो दो गाँवों को शामिल किया गया। उकलाना विधानसभा क्षेत्र को इनेलो के गढ़ के रूप में जाना जाता है। साल 2009 के चुनाव में लग रहा था कि इनेलो प्रत्याशी सीमा गैबीपुर कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल को आसानी से हरा कर जीत जाएंगे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सब चौंक गए। जिले के सातों विधानसभा सीटों में से उकलाना से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल ने सबसे कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर हलके का पहला ताज अपने नाम किया। वहीं साल 2014 में नरेश सेलवाल ने ताज को बरकरार रख नहीं पाए और इनेलो प्रत्याशी अनूप धानक ने शानदार जीत हासिल की। उकलाना हलका राजनीतिक रूप से जरूर नया है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हलके में पड़ने वाला अग्रोहा विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए, जो उकलाना की राजनीति को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।